नमस्कार, ज्योति टंडन्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनवरी एक त्योहारों का महीना है जब लोहड़ी, मकर संक्रांति, बिहू, उत्तरायण, हर तरह के त्योहार भारत में मनाए जाते हैं, क्योंकि इस समय हमारी फसलें कटती हैं। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है खीर, जो कि नॉर्थ इंडिया में खीर के नाम से जानी जाती है, साउथ इंडिया में पायसम। लेकिन इस रेसिपी की जो खास बात है वो ये है कि आज की खीर मैं गन्नों से बने ताजे गुड़ से बना रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं। तो खीर के लिए जो सामग्री हम इस्तेमाल करेंगे वो है 1 लीटर दूध, 1/4 कप चावल। आप कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस रेसिपी के लिए जैस्मीन राइस यूज कर रही हूँ, 1/2 कप गुड़। और ये गुड़ ताज़ा गुड़ है जो मैंने खुद घर पर बनाया है ताज़े गन्ने के रस से। इसकी रेसिपी आप मेरी वेबसाइट पर जागरी रेसिपी के नाम से देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क। और अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप 3/4 कप कंडेंस्ड मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए 1 इंच दालचीनी, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और थोड़े केसर के धागे 1 चम्मच दूध में, गरम दूध में भीगे हुए। गार्निशिंग के लिए मैं कटे हुए बादाम, पिस्ते और काजू इस्तेमाल करूंगी, 1 चम्मच घी में भुने हुए। तो सबसे पहले मैं 1/4 कप चावल को 2 कप पानी में 1/2 घंटे के लिए भिगो कर रख रही हूँ। मैं दूध और चावल का प्रपोर्शन 1:4 इस्तेमाल करती हूँ। अगर 4 कप दूध या 1 लीटर दूध है तो 1/4 कप चावल। स्टेप 2, एक पतीले में 1 लीटर दूध उबाल लीजिए। मैं नॉन स्टिकिंग पैन इस्तेमाल कर रही हूँ और जैसे ही दूध में एक उबाल आ जाएगा हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो भीगे हुए चावलों में से पानी हटा दीजिए और उबल रहे दूध में हम ये चावल मिला देंगे और इस चावल को हम दूध में ही पकने देंगे। मैं अब इस दूध में 1 इंच दालचीनी और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। और अब हम इस दूध को धीमी से मध्यम आंच पर उबलने देंगे जब तक चावल मुलायम ना हो जाए। और करीब 10 मिनट बाद मैं इसमें 1/2 कप गुड़ और 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क भी डाल रही हूँ। खीर को आप थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें जिससे दूध बिल्कुल भी नीचे लगे ना। और मैं करीब 20 से 25 मिनट तक इस दूध को अच्छे से पकने दूंगी, जब तक दूध गाढ़ा हो जाए और चावल अच्छे से गल जाए। अब बारी है, हमने जो 1 चम्मच दूध में केसर के धागे भिगो कर रखे थे उस केसर को खीर में डालने की। आप देख सकते हैं अब दूध की रंगत सफ़ेद नहीं है, स्लाइटली गोल्डनिश हो गई है, गाढ़ा हो गया है दूध। और चावल भी आप एक दाना हाथ में लेके दबाकर उसे चेक कर सकते हैं कि अच्छे से गल चुका है। खीर को आप गर्म या ठंडा सर्व कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में मैं खीर को गर्म ही सर्व करूंगी, जिसमें हम ऊपर से अब गार्निशेस डालेंगे। लेकिन उसके पहले दालचीनी को निकाल दीजिए। दालचीनी की एक अपनी ही खुशबू होती है जो खीर को लाजवाब बनाती है। अब समय है खीर को सर्व करने का। उसके पहले हम इसमें अलग अलग तरह की गार्निशेस करेंगे। गार्निशेस के लिए मैं छोटी कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच घी डाल रही हूँ और उसमें अपने पसंदीदा काजू, बादाम, पिस्ते, आप कोई भी मेवे इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की आंच पर करीब 1 से 2 मिनट तक भून लीजिए। तो अब हम इस मेवे के थोड़े से टुकड़े खीर के ऊपर सजाएंगे। इसके साथ मैं थोड़े से केसर के धागे और इलायची पाउडर भी ऊपर से बुरक रही हूँ। आप खीर को ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, एक फ्लूट में या कप में फलों के साथ कुछ इस तरह सजाकर। तो लीजिए, प्रस्तुत है हमारी लाजवाब जायकेदार खीर या पायसम। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये खीर की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपको हर त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और मत भूलिए, ईट नेचुरली, लिव हैप्पीली।